शाहरुख खान जवान को लेकर छाए हुए हैं, तो वहीं उनके बेटे की सीरीज का भी हो हल्ला बना हुआ है, क्योंकि शाहरुख के लाडले की वेब सीरीज स्टारडम को लेकर हर दिन कुछ न कुछ अपडेट आता रह रहा है। पहले खबर आई कि स्टारडम के लिए गाने की शूटिंग हो रही है और शाहरुख सेट पर पहुंचेंगे बेटे आर्यन को सपोर्ट करने, मोटिवेट करने। और अब कहा जा रहा है कि आर्यन के इस सीरीज में इंडस्ट्री के नए डॉन की भी एंट्री हो गई है। दरअसल रणवीर सिंह और करण जौहर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के बाद दूसरी बार साथ काम करने के लिए तैयार हैं। हालांकि इस बार डायरेक्टर और एक्टर के रूप में काम करने के बजाय करण जौहर और रणवीर सिंह एक्टर के रूप में एक साथ कैमरे को फेस करते नजर आएंगे। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। ऐसे में करण और रणवीर ने सोमवार को जूनियर खान की पहली वेब सीरीज के लिए एक कैमियो सीक्वेंस शूट किया है। एज पर सोर्सेस, करण और रणवीर दोपहर करीब 2 बजे सेट पर पहुंचे थे। दोनों ने गोरेगांव के इंपीरियल पैलेस होटल में एक शानदार पार्टी सीक्वेंस की शूटिंग की है और इस सीक्वेंस की शूटिंग के लिए 8 घंटे लग गए हैं। उसके बाद फिर रात के 10 बजे कास्ट और क्रू ने पैकअप कर लिया था। देखिए, शाहरुख के बेटे की सीरीज के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल तो बाहर नहीं आई है, अभी इसके बारे में सब कुछ हाइड करके ही रखा जा रहा है। लेकिन करण जौहर और रणवीर के इस पार्टी सीक्वेंस की शूट वाली अपडेट से एक बात तो साफ है कि इस सीरीज में आर्यन खान बॉलीवुड के कई सारे स्टार्स के साथ एक जबरदस्त सॉन्ग रखने वाले हैं। ये कुछ वैसा ही हो सकता है जैसा कि शाहरुख की फिल्म ओम शांति ओम में था, जहां बॉलीवुड के सारे बड़े फेमस स्टार्स को कास्ट किया गया था। लेकिन इसमें और कौन कौन से स्टार्स को कास्ट किया गया है, इस बारे में कोई खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 6 एपिसोड में बंटी सीरीज स्टारडम को आर्यन ने बिलाल सिद्दीकी के साथ मिलकर लिखा है। इसके अलावा आर्यन सारे एपिसोड को डायरेक्ट खुद ही कर रहे हैं। इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि स्टारडम फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया को काल्पनिक ढंग से प्रेजेंट करेगा। हालांकि बाकी डिटेल्स तो समय के साथ ही बाहर आएंगी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आर्यन नवंबर 2023 तक सीरीज की शूटिंग पूरी कर लेंगे। उसके बाद इसको OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की तैयारी शुरू होगी। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि स्टारडम में और कौन कौन से स्टार कास्ट शामिल होते हैं, साथ ही शाहरुख का बेटे आर्यन की सीरीज में कैमियो होता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात रहेगी। खैर, आप बताइए, क्या आप भी चाहते हैं कि स्टारडम में शाहरुख का कैमियो हो और उनका स्टारडम भी इसमें देखने को मिले? बताइए अपनी राय नीचे कॉमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।